दोस्तों भी हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे पाइल पे, तो अपना भी गए इसमें तो होता है एक करेंगे। पहले होता था टिम्बर पाइल, ठीक है, दूसरा होता था स्टील पाइल, तीसरा होता है कंपोजिट पाइल। ये बुक में जनरली यही तीनों अवेलेबल हैं। ये होता था पहले, बट सदियों पुरानी है, टेक्नोलॉजी है, ये सब अब कोई एग्जीक्यूशन में है नहीं कहीं भी। स्टील पाइल भी अभी नहीं हो रहा है जनरली, इसमें क्या होता था, अब ये भी बंद है। कंपोजिट पाइल में जनरली कंक्रीट और स्टील के कॉम्बिनेशन से जो पाइल करते हैं उसको कंपोजिट पाइल करते हैं, और यही आज के डेट में हमारे प्रैक्टिस में है। जैसा कि अभी हम लोग देखने जा रहे हैं आगे कि एग्जीक्यूशन में जरूरत किस किस चीज की पड़ती है। एक्चुअली ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हमें बुक से रिलेटेड नहीं है, और हम एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बना रहे हैं। इसका मेन मेरा मकसद है जो आदमी साइट पे काम करेगा उसको काम कराने में कोई परेशानी ना हो, उसके लिए ये वीडियो है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम स्टार्ट काम में होता क्या क्या है। पहला काम होता है सर्वे का, सर्वे होता है फर्स्ट। दूसरा होता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का। अब देखिए सर्वे जो होता है, सर्वे आएगा आपको एक, जैसे कि ये सेंटर है पाइल का, सपोज दैट ये पाइल का एक सेंटर हो गया, और ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर एक फुटिंग समझ लीजिए, इसके फुटिंग हो गया। इस फुटिंग में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पाइल हैं, और ये समझ लीजिए कि हमारा हो जाता है पियर, समझ गए। ये 6 पाइल हो गए और उसके बीच में ये पियर हो गए। तो जो ये पियर होगा जनरली ऐसे होता है, पियर, ये पियर कैप है, सॉरी, ये हो गया पियर, इसके नीचे ये अपना पाइलिंग हो गया, तीन इधर है, तीन अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अभी ये जो पियर है उसके नीचे पियर कैप, ये जो पाइल कैप है, पाइल कैप के नीचे जो है वो हमारे पाइल होते हैं। इन सारे पाइल को, मतलब इसको ग्रुप पाइल भी बोला जाता है जनरली, इसको ग्रुप पाइल भी हम लोग बोल सकते हैं, और वो बोल कह सकते हैं जनरली है ही ग्रुप पाइल। तो इसमें देखिए ये जो बहुत सारे पाइल हैं इनका एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा। स्पेसिफिक लोकेशन अपने को जो होता है डिजाइन से, ड्राइंग से स्टडी करने के बाद सर्वेयर उसका कोऑर्डिनेट बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट बनाने के बाद उसको मार्किंग करते हैं। अब देखेंगे हम लोग के साइड पे जब मार्किंग हो जाए, तो मार्किंग करने के बाद एग्जैक्ट उस मार्किंग पे वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा चीज अपना क्वेश्चन मार्क वहीं पे आता है कि ये जैसे पाइल पॉइंट है और मशीन लगाने के बाद कहीं इससे 100 mm आगे पीछे इधर उधर तो नहीं हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये मार्किंग से एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं मैनुअली या मशीन से, ऑटो उस पे मशीन से भी ले सकते हैं। टोटल स्टेशन जो हमारे पास मशीन है वो टोटल स्टेशन का मैं यहाँ पे पिक डाल दूंगा वीडियो में, और इंस्ट्रूमेंट भी आपको मैक्सिमम में दिखा दूंगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं अपने पाइलिंग वर्क में। तो ये टोटल स्टेशन से जैसे हम यहाँ मार्किंग कर सकते हैं, या मैनुअली भी टेप टेप पकड़ के इसको 2 मीटर पे मार्किंग कर लिया, ठीक है, और एक इधर 2 मीटर पे मार्किंग कर दिए। अब दोनों का ये एक डायगोनल निकाल लिए कि ये कितना है, सपोज दैट जो भी होगा एक्स वाई जेड, ये अभी अननोन है, इसको अपन पकड़ के नहीं चलते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट वन है, रेफरेंस पॉइंट टू है, तो 2 मीटर यहां से हुआ, 2 मीटर यहां से हुआ, हमने एक रेफरेंस सेट किया। अब क्या करेंगे कि एक रेफरेंस सेट करने के बाद इसका जो ये फॉर्मूला ये होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अगर हम इसको सी नाम देते हैं तो सी इक्वल टू इतना होता है। अब ये जो आएगा उसको यहाँ पे हम लोग पुट ऑन करते हैं, और इसके बाद इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि जनरली ये होता कितना है। अब इसके बाद जो हम लोग मशीन लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पे मशीन लगाने के बाद केसिंग पंच होगा। अभी के आप देख रहे होंगे कि वीडियो में जो एक फोटो दिखाई जाएंगी वो केसिंग की फोटो है। केसिंग एक क्या होता है, सिलेंडर नुमा लोहे के प्लेट को ही हम लोग रोल करके केसिंग बनाते हैं। दो टाइप की केसिंग पंच हो सकता है, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी ये होता है कंक्रीट करने के बाद उसको निकाल दो, उसको टेम्पररी केसिंग करते हैं। दूसरा केसिंग ये होता है जो हमेशा उसको उसी में छोड़ दिया जाता है, जनरली उसको लाइनर भी कहा जाता है। तो वो इस कंडीशन में लाइनर का जो लाइनर है
तो इसको इसलिए यूज किया जाता है, ये जनरली 5 mm का प्लेट का या 6 mm का प्लेट का हो सकता है, और इसको डालने के बाद इसको निकालने का ये नहीं रहता है उसमें, छोड़ दो उसमें, जैसे नदी में काम कर रहे हैं तो उसके कंक्रीट करने के बाद जस्ट बाद हम लोग वो लाइनर नहीं निकाल पाते हैं, तो उसको हम लोग उसी में छोड़ देते हैं। बट क्या जो ऑन सरफेस काम कर रहे हैं जमीन पे, तो ये क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप करने, फ्रिक्शन पाइल जहां होता है वहां पे ये चीजें केसिंग को निकाल लिया जाता है ताकि वो मल्टीपल यूज कर सके, उसी केसिंग से दूसरा पाइल भी कर सकते हैं। जनरली इसका जो लेंथ है स्टैंडर्ड लेंथ तो कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, बट 1.2 मीटर से 6 मीटर तक यूज किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड यूज को, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पकड़ ले तो एज ए स्टैंडर्ड ये यूज किया जाता है, रेस्ट ऑफ इसके बीच में भी कर सकते हैं, और जहां पे सॉइल का स्ट्रेटा 8 मीटर तक वीक हो वहां पे केसिंग 8 मीटर का भी यूज कर सकते हैं। बट उसमें क्या है, जितना ज्यादा आप केसिंग का लेंथ करेंगे वो केसिंग निकालने में भी प्रॉब्लम करता है, उसके लिए फिर वाइब्रो मशीन और ये वो दुनिया जान लगानी पड़ती है, इसके लिए उतना कोई बड़ा यूज करता नहीं है। जनरली हम लोग बेंटोनाइट और पॉलीमर की विस्कोसिटी डेंसिटी बढ़ा के हम लोग ये चीजें अचीव कर लेते हैं। अभी आइए हम लोग देखते हैं कि जो इसमें सप्लीमेंट्री आइटम यूज होता है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला बेंटोनाइट, अभी भी बेंटोनाइट ये अभी भी आज के डेट में भी यूज होता है। ये एक टाइप का सॉइल है जो कि राजस्थान में मिलता है, और इसमें सोडियम मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा केमिकली ट्रीट कर लिया जाता है, और इसके बाद इसको कंस्ट्रक्शन साइट पे अवेलेबल कराया जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो बेंटोनाइट को अवेलेबल कराती हैं, ये बहुत सस्ता होता है, सो इसको हम पब्लिक यूज करती है, बट इसका रिसाइकल नहीं होता, इसका वेस्ट प्रोडक्ट फेंकने पे ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो डंप करने के बाद ये बहुत दिन तक वैसे मतलब मडी सॉइल में, मडी फॉर्म में ही पड़ा रहता है, ड्राई नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अभी मेट्रो वगैरह में और NHAI लगभग जगह पे इसको बंद करा चुका है, बट कहीं कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है जो इसको जनरली यूज करने के लिए प्रेफर, और जहां पे पॉलीमर फेल हो वहां पे तो इसको यूज करने का परमिशन ऐसे ही मिल जाता है। दूसरा आइटम है ये पॉलीमर, पॉलीमर है एक टाइप का, ये देखेंगे तो जैसा शक्कर की एक दाने जैसी आती है, और इसको पानी में मिक्स करने के बाद ये पूरा इसको क्या बोल सकते हैं, मड़ी फॉर्म बना लेती है ये भी अपने आप में, बट ये ट्रांसपेरेंट मड़ी फॉर्म नहीं होता है, बट हाँ व्हाइट कलर का एक मड़ी फॉर्म आता है। इसमें भी सोडियम मिलाया जाता है, अल्फा बॉन्ड मिलाया जाता है, बहुत सारे तरीके केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ओनली है pH वैल्यू, पानी का अगर अच्छा हो तो ये इजिली इम्प्रूव हो जाता है। इसका यू इसको स्वेल करने में जनरली क्या होता है, मिनिमम इसको जो है वो 9 घंटा छोड़ा जाता है, और एवरेज जो होता है वो 24 आवर्स के बाद ही अपनी डेंसिटी और उसकी विस्कोसिटी प्रोवाइड कराता है, जो कि एग्जीक्यूशन के लायक होता है। और ये क्या होता है, 10 से 15 मिनट के बाद ही ये जनरली यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो किफायती है बट ये कॉस्टली आती है बोल के ये हर जगह पे यूज नहीं होता है, बट जहाँ पे वैसा डंप करने का जगह ना हो वहां पे ये यूज होता है। और हाँ, बढ़िया अगर आपको फिनिशिंग वगैरह चाहिए तो ये पॉलीमर में ज्यादा आपको हाई क्लास की फिनिशिंग वगैरह मिलती है। अभी हम लोग देखेंगे कि बेंटोनाइट अगर हम यूज करते हैं तो उस पर कौन कौन सा टेस्ट है जो कि साइट पे परफॉर्म किया जाता है। पहला जो टेस्ट है वो मार्क कर देते हैं रेड पेन से, फर्स्ट जो टेस्ट है वो होता है विस्कोसिटी, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट है इसकी होती है डेंसिटी, ये चेक करते हैं। तीसरा जो होता है pH वैल्यू, ये वाटर का होता है, ठीक है, ये चेक किया जाता है। अब इसको चौथा जो है वो पानी का ही TDS, TDS चेक किया जाता है, ये भी वाटर का ही होता है। ये चार चीजें हैं जो कि हमेशा हमें अगर अच्छी क्वालिटी की बेंटोनाइट स्लरी पानी है तो ये चारों चीजों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अभी आप लोग जैसा जानते हैं, सभी लोग जानते हैं pH वैल्यू जो होता है कंस्ट्रक्शन वाटर के लिए जो 9 से ऊपर हो, ठीक है, मिनिमम 9 हो और 9 से 11 तक हो, तो ये जो होता है ये बहुत बढ़िया इसको पानी मान सकते हैं, जिसको जिसमें हम लोग अगर बेंटोनाइट मिलाते हैं तो उसकी सॉइल प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छा आता है। उसके बाद विस्कोसिटी उसमें चेक करते हैं, उसके बाद डेंसिटी चेक करते हैं, उसके बाद ये तुझे वह पानी सप्लाई के टाइम में ही चेक होता है TDS,
और पीएच वैल्यू। आपको अभी हम लोग पीएच, मैंने आपको आप लोग के लिए अरेंजमेंट किया है, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं ये पीएच पेपर है, ठीक है, ये पीएच पेपर है और इसमें ये इंडेक्स में दिया हुआ है पीएच वैल्यू 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें 11 नहीं है, 10.5 तक है जनरली, बट 11, 12 तक आती है। इसमें देख रहे हैं आप ये है पीएच पेपर, इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं इसके बाद ये कलर चेंज होता है, तो उसको हम लोग इस टेबल के सामने रख के मिलाते हैं कि कितना पीएच वैल्यू आता है और उसको रिकॉर्ड के लिए मेंटेन कर लिया जाता है। सेकेंडरी चीज आती है टीडीएस मीटर, जो कि कुछ इस टाइप की आती है, ये है हमारे टीडीएस मीटर। तो इस चीज को भी हम लोग साइट पे यूज करते हैं टीडीएस, इसमें जैसे पानी ले लो सैंपल और इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर लो, ऑन कर लो और ऐसे चेक करके ये बता सकते हैं कि कितना टीडीएस है, कितना एप्लीकेबल होता है, कितना मतलब मैक्सिमम अलाउ जितना होता है उतना हम लोग उसको डाल के कर सकते हैं। आपको अगर ये सब जाननी है तो आपको अलग से टेस्टिंग का एक वीडियो बना के दे दूंगा ऑन साइट, ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये होता कैसे है। अभी कुछ उतना खास ध्यान देते नहीं है, डेंसिटी जो होती है बेंटोनाइट की वो 1.1 होनी चाहिए, कंपलसरी है कि इससे अगर कम हो तो आपको बोरिंग करने की परमिशन नहीं दी जाती है, बट जनरली 1.07, 07, 09 अगर आ जाता है तो भी हम लोग को परमिशन मिल जाता है कि आप लोग काम स्टार्ट करो एटलीस्ट, क्योंकि 1.1 बहुत कम ही आ पाता है, उतना टाइम तक कोई उसको रोकता नहीं है उसको स्वेल करने के लिए। तो डेंसिटी जो होती है वो 1.1 होनी चाहिए। अब बोरिंग के टाइम तो ये होनी चाहिए, बट अगर कॉन्क्रीटिंग के टाइम क्या है, इसको फ्लशिंग करना पड़ता है, दोबारा फ्रेश बेंटोनाइट डालो और जो बोरिंग के टाइम बेंटोनाइट यूज किया जाता है उस बेंटोनाइट को वापस टैंक में रिसीव किया जाता है, तो उस टाइम हम लोग जनरली 1.05 का डेंसिटी यूज करते हैं फ्लशिंग के टाइम पे, ताकि जो उसका मड़ी फॉर्म है वो वीक हो जाए और कॉन्क्रीट करने टाइम उसको कॉम्पैक्शन में प्रॉब्लम ना आए। ये सब टेस्ट के बारे में हम आपको लाइव टेस्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ एक वीडियो डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, चौथा या पांचवा वीडियो वो होगा अपना। अभी देखिए, अभी जैसा कि आपने ये जान गया, अब अपने पास एक ऑन साइट आपको वीडियो डालेंगे जिसमें मशीन लगी होगी और ये पाइल की बोरिंग कर रही होगी। अब इसके बारे में ये सब चीजें एग्जीक्यूशन की चीजें हैं, तो आपको मशीन भी जैसे बहुत सारी कंपनी की आती है, सैनी की आती है, मैट की आती है, तीसरा XCMG आती है, चौथा जो है आपका कासा ग्रांडे की आती है और बहुत सारी ऐसे चाइनीज कंपनी अब तो मार्केट में आ गई हैं जिनको क्या करने हैं। इसमें भी एक होता है जो छोटे लेवल पे आप देखेंगे ट्रैक्टर माउंटेड, ठीक है, और एक हो गया है TMR ट्रक माउंटेड रिग, ये स्पेशली हर जगह अभी भी देखने को मिलता है। और सातवें नंबर पे होता है DMC वाला जो मेथड अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, DMC ये विंच से होता है, ठीक है। आठवें नंबर पे अभी हो गया तो वो चीजल एंड बॉयलर मेथड, ये सब बहुत तरह की चीज मशीनें हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। ये दोनों जो है वो विंच ऑपरेटेड होती हैं और विंच से ही होती हैं, तो इसमें क्या होता है एक रॉड जैसा एक के साथ एक अटैच हो जाता है सीजल में। इसको भी आप लोग को हम दिखा देंगे कि कैसा होता है क्या होता है, आप लोग को तीसरे या चौथे वीडियो में जो टेस्टिंग के ऑन साइट दिखाएंगे उसमें हम लोग आपको ये सब भी दिखा देंगे। अभी क्या होता है, देखिए भैया सिविल इंजीनियर को पहले तो पहले का पहला क्या काम है साइट पे जाने के बाद पाइल पॉइंट चेक करना, ठीक है, प्रॉपर है कि नहीं, ये होता है सर्वे एस डिपार्टमेंट से चेक करना है इसको, ठीक है। दूसरा होता है कि केस फैब्रिकेशन, ये इंजीनियर की काम है, तो केस फैब्रिकेशन में उसको जो ड्राइंग मिलता है कंपनी से, डिजाइनर जो ड्राइंग उसको देगा उस ड्राइंग को स्टडी करके उसमें कितने मेन बार हैं, ठीक है, मास्टरिंग है, हेलिकल है, ये सब चीजें उसमें लिखी रहती हैं जनरली, आपको मेंशन मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो स्पेसिंग रहता है और लेंथ रहता है, उसके थ्रू आप वो चीजें निकाल सकते हैं। तो अपना ये हो गया दूसरा पार्ट है केस फैब्रिकेशन का,
तीसरा हो गया कि पहले पाइल पॉइंट चेक कर लिए, केस फैब्रिकेशन चेक कर लिए, बेंटोनाइट और पॉलीमर इनकी प्रॉपर्टीज चेक कर लिए, जो एज पर रिक्वायरमेंट हमारी है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम लोग उसको काम करने नहीं दे सकते। चौथा है बोरिंग करने से, बोरिंग करने टाइम रेफरेंस लेकर पाइल लोकेशन चेक करना है, ठीक है, पाइल लोकेशन वेरीफाई करना इंजीनियर का काम होता है, जो कि जैसे कि बताया कि एक पाइल पॉइंट हो गया, इसको इधर एक रेफरेंस है किधर ले लिए दोनों का, ये निकाल के और ये केसिंग मारने के बाद यहाँ से इसको वेरीफाई कर लेते हैं और यहाँ से इसको वेरीफाई कर लेते हैं, अगर सही है तो फिर केसिंग करके उसमें आगे की बोरिंग की प्रोसीजर होती है। अगर उसके बाद पाइल लोकेशन, पांचवा है कॉन्क्रीटिंग। कॉन्क्रीटिंग भी एक जो कि सिविल इंजीनियर को, वो जनरली सुपरवाइजर वगैरह होते हैं जो चाहिए चीज करा लेते हैं, बट आपको क्या ध्यान देनी है कॉन्क्रीटिंग में कि आपकी जो होती है पली की ट्रिमी लेंथ, वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, कितना होना चाहिए, कितना है और कैसे कब कितने मीटर पे खोला जाता है, ये सभी चीजें आईएस कोड में आपको मिल जाएंगी। बट क्या है, ये आईएस कोड उतना कोई पढ़ता नहीं है जनरली, ये पढ़ने के बाद भी आदमी भूल जाता है, तो उसका एक मेन फंडा ये है कि ये आईएस कोड में 1.5 मीटर लिया जाता है कि ट्रिमिंग इनसाइड द कंक्रीट होना चाहिए, बट इन प्रैक्टिस आप 3 मीटर लेके चलो, क्योंकि क्या होता है कि आजकल हम लोग कंक्रीट जब करने जाते हैं तो या तो हम क्रेन से करते हैं या तो रिग से करते हैं, उसमें जब उठा के उसको कंक्रीट, ये जैसे ट्रिमिंग पाइप आप हो गया, इसको जब उठा के आप जर्क करते हैं तो ये 1.5 मीटर तो वैसे ही बाहर आ जाता है, तो उसके कारण क्या कभी कभी वो कंक्रीट के अंदर से पाइप निकलने का डर रहता है, जिसके कारण वो हम लोग उसको 3 मीटर सेफ्टी के लिए 3 मीटर रखते हैं, ताकि 1.5 मीटर निकाले भी तो 1.5 मीटर एटलीस्ट इनसाइड द कंक्रीट वो ट्रिमी बचा रहे, ताकि उसकी जो कंपेक्शन है वो अच्छी है। और इन लास्ट जो होता है कि एक नई टेक्नोलॉजी हमने एक्चुअली देखा था गोवा ब्रिज प्रोजेक्ट में, तो उस चीज को भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जब कंक्रीट होने के बाद उसमें जब चिपिंग ना करना पड़े तो ग्रीन कंक्रीट रिमूवल होता है, फ्रेश कंक्रीट निकाल के उसको वहां पे रैमिंग किया है, मतलब वाइब्रेटर चला दिया जाता है या रैमर एक बनता है उसको चला के उसको हम लोग स्ट्रेंथ उसको दे देते हैं। जनरली आपने ये जो दो चीज सीखा है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखा दूंगा मैं कि डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या होती है, एक सिविल इंजीनियर को क्या क्या चीजें मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड्स जिसको बोल दो सिंपल में, रिकॉर्ड्स क्या चाहिए उसको, तो बोर लॉग होता है, ठीक है, बीबीएस होता है, पोर कार्ड होता है, ये तीन जो है ये तो चाहिए ही चाहिए। अब इन सब का भी फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो फॉर्मेट अवेलेबल करा दूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाके अपना कमेंट कर दीजिए, तो आपको या अपना पर्सनल व्हाट्सएप दे दीजिए, व्हाट्सएप नंबर तो उस पर सेंड कर, या हम इसका एक सोच रहे हैं कि इसमें पीडीएफ डाल दें, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सभी फॉर्मेट जो हैं एलएनटी, गैमन, अफकॉन्स, ऐसी कंपनियां जो यूज़ करती हैं वो सभी फॉर्मेट्स हैं हमारे पास, वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।